A detailed guide for a happy, healthy and successful life for an INFP personality type. आज हम INFP personality type की खसूसियात पर बात करेंगे. INFP personality type किन खसूसियात के हामिल होते हैं और इनमें क्या क्या सलाहियतें होती हैं, आज हम ये जानेंगे. INFP personality type बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं. इन्हें आइडियलिस्टिक कहा जाता है. INFPs बड़े ही बेहतरीन टैलेंटेड लिखारी होते हैं, राइटर्स होते हैं. उन्हें बहुत मुश्किल होती है अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने में. वो लफ्ज़ों से इजहार नहीं कर सकते, किसी को कह के इजहार नहीं कर सकते, लेकिन उनमें एक बहुत ही शानदार एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को पेपर पर. INFP पर्सनालिटी टाइप सोशल सर्विस प्रोफेशंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं. INFP पर्सनालिटी टाइप लोगों के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं, और वो बड़े ही बेहतरीन होते हैं उन सिचुएशंस में जहां वो लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें. INFP पर्सनालिटी टाइप हार्ड लॉजिक इस्तेमाल नहीं करते. INFP पर्सनालिटी टाइप का जो फंक्शन है उन INFPs का जिन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है, उनकी वो साइड्स बहुत ज़बरदस्त और हैरान कन है. बहुत ही मुश्किल से, बड़े ही हार्डली वो क्रेडिट लेते हैं और बहुत ही अजीम लोग होते हैं, ह्यूमेनिस्टिक होते हैं, और दुनिया में INFPs इंसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं. INFP पर्सनैलिटी टाइप आम तौर पर इनमें कौन सी खसूसियात सबसे ज़्यादा पाई जाती है? दे हैव स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम. INFPs जो होते हैं वो इंसानों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं. INFP पर्सनैलिटी टाइप सर्विस ओरिएंटेड पीपल होते हैं. ये अपनी ज़रूरियात के ऊपर लोगों की ज़रूरियात को रखते हैं. INFP पर्सनैलिटी टाइप लॉयल होते हैं, लोगों के साथ डिवोटेड होते हैं. जब किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत ही वफादार होते हैं. INFP पर्सनैलिटी टाइप फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं. और इन्हें हम ग्रोथ ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, यानी कि उन्हें अपनी ग्रोथ करना बहुत पसंद है, अपनी शख्सियत की नशोनुमा करना बहुत ज़्यादा पसंद है. INFP पर्सनैलिटी टाइप एक ग्रोइंग सिचुएशन में रहना चाहते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में रहते हैं. बहुत ही तख्लीकी होते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं. INFPs फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कोई नई बात को जज्ब कर सकते हैं. रिजिड माइंड नहीं होते. INFP पर्सनैलिटी टाइप बहुत ज़्यादा रूल्स को पसंद करने वाले नहीं होते. INFP पर्सनैलिटी टाइप हसास होते हैं और बहुत ही जल्द कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं. जब इनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात की जा रही हो या कोई बात इन्हें अंदर से तकलीफ दे तो वो बहुत ही ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं. लेकिन INFP पर्सनैलिटी टाइप की ये खसूसियत है कि वह हसास हैं और बहुत नरम दिल हैं. INFP पर्सनैलिटी टाइप रूटीन वर्क को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं. INFP पर्सनैलिटी टाइप बहुत ज़्यादा डिटेल्स को और लॉजिकल चीज़ों को पसंद नहीं करते. INFP पर्सनैलिटी टाइप ओरिजिनल होते हैं, हकीकी होते हैं, हकीकत पर बात करते हैं. हालांकि ये ख्याली दुनिया में रहते हैं लेकिन इन्हें पता होता है कि रियलिज्म क्या है. INFP पर्सनैलिटी टाइप एक्सीलेंट रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं. INFP पर्सनैलिटी टाइप अकेले काम करना पसंद करते हैं. उन्हें प्रॉब्लम्स होती है टीम्स के साथ काम करने में. स्मॉल ग्रुप कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम एंड कैन बी रिलेटेबल, बट INFP बहुत ज़्यादा हुजूम पसंद करने वाले लोग नहीं होते. बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं अपने रिश्तों को और अपने प्यारों को.
INFP पर्सनालिटी टाइप चाहते हैं कि उन्हें सराहा जाए कि वो क्या चीज़ है। INFP पर्सनालिटी टाइप खास, हसास और बहुत ही नरम दिल सच्चे लोग होते हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप की ये अदा है कि जब वो कोई कैरियर को ज्वाइन करते हैं तो उसे अपनी जॉब से ज़्यादा तसव्वुर कर रहे होते हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप को ज़रूरत है कि वो हर चीज़ को एक सही अंदाजे से लेकर चलें और अपनी ज़रूरियात, अपने जज्बात का भी ख्याल रखें। ये सिस्टम को तरक्की देना चाहते हैं और इस चक्कर में वो अपने जज्बात और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा पीछे छोड़ आते हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप को चाहिए कि वो पॉजिटिव अंदाज से सोचे, क्योंकि वो ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल होते हैं और सही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ छोटी छोटी बातें इन्हें तकलीफ दे जाती हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप बहुत मीनिंगफुल और पर्पसफुल लोग हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद है जीने का। INFP पर्सनालिटी टाइप अपने कैरियर्स में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर उन्हें इंसानों की खिदमत का मौका मिले तो वो कोई मौका हाथों से नहीं गवाते। INFP पर्सनालिटी टाइप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अजीम काम करते हैं। अगर ये कहा जाए कि INFP पर्सनालिटी टाइप इंसान दोस्त होते हैं और इंसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं तो दे जाना होगा। INFP पर्सनालिटी टाइप अपनी तख्लीकी राइटिंग से लोगों को मुस्तफीद कर सकते हैं एंड दे कैन बी गुड कंटेंट राइटर्स और एकेडमिक राइटर्स। INFP पर्सनालिटी टाइप बहुत ज़्यादा तख्लीकी दिमाग लोग होते हैं। लोगों के लिए बहुत कुछ करना इनकी पसंदीदा हैबिट होती है। INFP पर्सनालिटी टाइप पुरजोश लोग होते हैं और पुरअज़म होते हैं। अकेले काम करने को तरजीह देते हैं लेकिन इंसानों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप दिल के नरम, खुश मिजाज और बहुत ही ज़बरदस्त लोग होते हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरीन आइडियाज़ देते हैं और तख्लीकी दिमाग होने के नाते ये बहुत अच्छा कर गुजरते हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप में अपनाइयत होती है। अगर कोई इनसे दोस्ती कर ले तो ये बहुत बेहतरीन दोस्ती निभाते हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप क्योंकि आर्टिस्टिक माइंड है तो ये ख्याली दुनिया में और इमेजिनेशन में रहते हैं, इसीलिए बड़ी ही खूबसूरत सोच के मालिक होते हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप जब ख्याली दुनिया से बाहर आते हैं तो उन्हें दुनिया बदसूरत लगती है क्योंकि हकीकत से दूर होते हैं। INFP पर्सनालिटी टाइप को चाहिए कि वो रियलिज्म की तरफ भी तवज्जो दें। अगर आपकी पर्सनालिटी टाइप भी INFP है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने का शुक्रिया।